दर्द किसी के अंदर है तो मैंने कहा ना, जैसे जैसे जात नीति जात का नीचे नीचे आती जाती है, उतना ही इंसाफ, उतना ही बढ़िया इंसान आगे बढ़ते जाता है। इतना ऊपर से नीचे जात ढलती है उतना ही न्याय होता है। इसका सबसे बड़ा सबूत तो है कि बाबा साहब ने किसका नाम लिया, गुरु के बात बोले कर लिया। उनका इशारा था, क्या था, ये जो संविधान हजारों हजारों बरस से कभी कभी राजा रानी ये जो भारत है हजारों हजारों बरस से कोई राजा था कोई रानी था कोई बादशाह था कोई नवाब था कोई जमींदार था, पहली बार हिंदुस्तान में इस संविधान ने यदि कोई सबसे बड़ी छाती आपके हाथ में सौंपी है तो वो संविधान को यदि पढ़ना है देखना है तो हिंदुस्तान का गरीब आदमी समझता है, लेकिन वो दीवान से फंसा हुआ है। ये जो हाथ में जो वोट है ये बैलेट पेपर है, आजकल बटन से दब सकता है, यही संविधान का इंजन है। फिर बात को मैं समझना में कह रहा हूं, जितने भाषण हुए हैं उन भाषणों का सार यही है कि हिंदुस्तान की जो बीमारी है उसी बीमारी ने हमको अभी इस हालत में खड़ा करके रखा है। जात का जो खंड खंड है और बाबा साहब ने दिया हुआ सबसे बड़ा हथियार वोट है, हमारा 90% 85% वोट, लेकिन वो बिखरा हुआ छितरा हुआ। इस आंदोलन का या दुनिया के सारे आंदोलन जितने हुए हिंदुस्तान में भारत में उसमें सबसे बड़ी जान तब पड़ेगी कि जो संविधान का इंजन है वो वोट है, मताधिकार है, अटल पंचायत। ये यदि हमने 70 वर्ष में इस्तेमाल किया होता तो आज दिल्ली की गद्दी आपके हाथ में। अब इस विकट परिस्थिति को कैसे ठीक करें, दुरुस्त करें, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप इतनी देर से सुन रहे हैं, इतनी देर से लोग कह रहे हैं, बोल रहे हैं, बड़ी समस्या क्या है, ये छितरा हुआ वोट है, बिखरा हुआ वोट है। यही जो मन का तन का संपत्ति संपदा इज्जत मान सम्मान का जिन लोगों ने सबसे छीन कर रखा है उनके बारे में बोलते 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 हम थक जाते हैं। हम दो दिन भर भाषण 70 वर्ष से भाषण हो रहे हैं और सबसे ज्यादा जो संघर्ष संग्राम किया है हमारे आजादी के पहले लोगों महात्मा फुले ने किया, बाबा साहब ने किया, पेरियर ने किया, नारायण स्वरूप नारायण गुरु ने किया, गुरु नानक ने किया, बसवन्ना ने किया। यानी हिंदुस्तान में जितना बड़ा संग्राम जात व्यवस्था की विषमता को मिटाने के लिए हुआ उतना कभी किसी 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 मामले में इतनी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन सफलता से। और यही हाल है कि आज हिंदुस्तान आज भारत जो है जिस पे आपको बैठना चाहिए था, बाबा साहब ने तो आपके हाथ में हक दिया था, बड़ा हथियार दिया था, वोट का इस्तेमाल करने का यदि आपको कुवत होती तरीका होता आप इकट्ठे होते, यानी जिनको कह रहे हैं आपकी वो व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है तो जिम्मेदार हम लोगों ने गले से लगा लिया जात को। मान लो जात नहीं छूट रहे जिसको जमात तो बनाओ, एक जात से कैसे एक चना एक एक चने से भाग कैसे छुटेगा, क्या कहते हो, एक चना भाग नहीं छोड़ सकता, एक चना भाग नहीं छोड़ सकता, यही एक जात भाग नहीं छोड़ सकती। यहां जो बैठे उसका मकसद ये है कि ये आप दुर्भाग्य है कि अभी इस हाल में जो देखोगे तो जो माँ बहन बेटी है वो कम है, क्यों है, कहते हैं देश की याद रखना जो देश की माँ गुलाम होती है और जात ने माँ को गुलाम करके रखा है। जिस दिन माँ लिबरेट हो जाएगी उस दिन जात टूट जाएगी, और जिस दिन जात टूट जाएगी तो ये चीन हो जाएगा, भारत जो है वो चीन बन जाएगा। आपको मालूम चीन कहां पहुंच गया है, अमेरिका।
अमेरिका से आगे बढ़ गया। वहां के लिए एक जमात है जिसका नाम हान कहते हैं। यहाँ कदम कदम पे हम सब लोग बैठे हैं, कह चलू रहे, लेकिन यानी परिस्थिति ने कोई आपकी गलती नहीं है। हम ये बात विकट नहीं कर पा रहे हैं कि जो खंड खंड है वो पोखर है, और पोखर जो है वो संता। ये नदी कैसे बने, ये भारतीय समाज जो है वो खंड खंड है, ये टूटे और फिर नदी बने। तो जब नदी बनती है तो धरती उसको पानी को निर्मल कर देती है। भारत जमा हुआ है, भारत बिगड़ा हुआ है, भारत की सब तरह के जुल्म जाति अन्याय, ये जो जात का घोड़ा है उड़ा है, इसी पर सारे कीड़े जाते हैं, बेईमानी सब चीज। ये जो जात व्यवस्था का घोड़ा है, और उस घोड़े में सबसे ज्यादा हम लोग हैं संख्या में, लेकिन हम लोग जात जात, ये यूपी है, बिहार है, पूरा देश है। किसान की लड़ाई लड़ेंगे कि हमारी जमीन बिक रही सस्ते में, ये हमारा अनाज ठीक नहीं बिक रहा है, लेकिन जैसे ही वोट आएगा वैसे ही जात सर पे सवाल बात हो जाता है। बड़ी बात है, लंबी लड़ाई है। इसलिए मैंने कहा कि ये लंबी एक लड़ाई, इसका जिक्र ज्यादा यहां हुआ है, लेकिन ठीक बात समझ लेना कि हिंदुस्तान में खतरा जो है तात्कालिक भी है। जिन लोगों के हाथ में राज आया हुआ है वो बोलते कुछ है। कहा था उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उन्होंने कहा था किसान को 1.5 गुना पैदावार का दाम देंगे, स्वामीनाथ कमेटी का लागू करेंगे, 15 लाख हर आदमी के अकाउंट में बैंक में जमा कराएंगे, सबका साथ सबका अच्छे दिन लाएंगे। ये वादे एक भी पूरे नहीं हुए, लेकिन नए नए वादे कर देते हैं, नए नए वादे कर देते हैं। और बाबा साहब की एक किताब है, किसी धर्म और मजहब के लोगों के लिए गीता और कुरान होगी, बाइबल होगा। मेरे जैसा आदमी ये मानता है कि ये जो किताब है इसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो आपके हाथ में बैठक एडेंट कर जाए। ये जो वोट का हक आपके हाथ में है, ये है संविधान का, ये खतरे में है। हम 70 बरस में हमको इतना बड़ा हथियार हाथ में दे गए थे, वो लेकिन इसका इस्तेमाल हमारा व्यक्तिवाद भी जात व्यवस्था से आता है। जब माँ गुलाम होती है तो वो घर बना देती है। मेरी बात नहीं समझो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बायोलॉजिकल अंतर है, पुरुष और महिला में कोई फर्क नहीं है। नेचर में हर तरह के किसी तरह के जीव जंतु होंगे, उनमें दोनों पशु हो पक्षी हो कोई हो कोई फर्क नहीं होता। पक्षी उड़ता है तो पक्षी की जो पुरुष है या पक्षी का जो मादा है या वो दोनों एक से होते, एक से खाते, दोनों का एक साथ। लेकिन भारत के अंदर सबसे बड़ी विकट परिस्थिति ये हुई है, हमने माँ को गुलाम किया। कभी भी जिस समय भी हिंदुस्तान में जात बनी है, वो जात बनी है हिंदुस्तान में माँ को गुलाम कर माँ को हत्या करना। माँ बहन बेटी को हम अपनी इच्छा से जब जात को देते हैं तो एक आदमी का जीवन में मैन टू मैन कॉन्टेक्ट होता है, वो लाभ होता है। और एक माँ बहन बेटी का मैन टू मैन कॉन्टेक्ट जो है वो होता है सिर्फ 200-400 लोगों को। याद रखना, किसी भी विश्वविद्यालय से बुद्धि का विकास नहीं होता। मैं इंजीनियर हूँ, यानी एजुकेशन मेरा इंजीनियर का है, लेकिन भारतीय समाज को या भारतीय समाज को मैं अपने जन्म से जानता हूँ, मैं अपने गांव से जाता हूं, बाहर से घूमने से जाता हूं। तो जो माँ बहन बेटी है उसका संपर्क कॉन्टेक्ट जो है वो सीमित हो जाता है। तो जब सीमित हो जाता है तो उसने पलट के बदला लिया, घर बना।